यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी हैं और यमुना माता जी का बहुत बड़ा स्टैचू है यहाँ पर, और ये राहु और बीच में शनिदेव और वहाँ केतु है। शनिदेव जी की जो मूर्ति है वो कम से कम 70 से 72 फीट की है। आज हम आए हैं शनिधाम मंदिर जो विकास नगर में स्थित है, तो आज मैं बताऊंगा आपको यहाँ के बारे में और अंदर घुमाऊंगा पूरा मंदिर। तो चलते हैं। शनिधाम आने के लिए आपको विकास नगर आना होगा जो कि देहरादून से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर विकास नगर में पहाड़ी गली है और वहाँ से आपको सीधा सीधा आना है अंदर। फिर रास्ते में शक्ति नहर आएगी, उसके ऊपर पुल होगा। लेकिन मैंने जो रास्ता चूज़ किया है वो पहाड़ी गली वाला नहीं है, वो दूसरा रास्ता है। तो आप लोग पहाड़ी गली से ही आएँ, आपको ईजी रहेगा। या फिर जो ये शक्ति नहर वाला रास्ता है, अगर आप इस रास्ते पर आ जाएंगे तो आपको शनिधाम जाने वाला जो पुल है वो मिल जाएगा। उस पुल से आपको अंदर आना है सीधा सीधा। ये जो शनिधाम मंदिर है ये यमुना नदी के किनारे है और बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का, मैं दिखाता हूँ आपको। फिर अंदर आने के बाद एक रास्ता सीधा चले गया और एक रास्ता शनिधाम मंदिर के लिए आएगा, उस रास्ते पे आपको आना है। आज शनिवार है और अंदर काफ़ी भीड़ होगी, बाहर चप्पल जूते खोलकर चलते हैं अंदर। अंदर आते ही पहले गणेश भगवान जी के दर्शन होंगे, जैसा कि पता ही आप सब लोगों को, सबसे पहले गणेश भगवान जी का स्मरण करना ज़रूरी है सभी शुभ कार्यों से पहले। और इस तरफ से हमने जाना है अंदर, और आप शूज़ वगैरह अंदर भी रख सकते हैं और वहाँ पर हम हाथ धोएंगे। चलते हैं इस तरफ से अंदर जहाँ पर स्टैचू है, और फिर हम मंदिर में जाएंगे अंदर। तो हल्की हल्की आवाज़ में यहाँ शनिदेव जी के भजन चलते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ और ज़्यादा गुड वाइब्स आती हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से दिख रहा है स्टैचू। उस तरफ से हम अंदर जाएंगे, फिलहाल इस तरफ चलते हैं। तो जो यहाँ के ऑनर है विनायक बडोनी जी, उनका है ये पूरा शनिधाम। जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें कटिंग करके प्रॉपर शेप दी गई है, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है इस जगह का। जितने भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं शनिदेव जी की, राहु केतु जी की, छोटी बड़ी सारी मिला के वो टोटल 1.25 लाख मूर्तियाँ हैं। ये मैंने विनायक बडोनी जी का इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने बताया था। ये देखिए शनिदेव जी विराजमान हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टैचूज हैं। और भी यहाँ पर स्टैचू हैं चारों तरफ। बाहर चलते हैं, इसके चारों तरफ घुमाता हूँ आपको मैं इस तरफ से। ये बजरंगबली जी हैं। मौसम भी अच्छा है आज, बारिश वगैरह नहीं है, और नेचर का पूरा फ़ायदा उठाइए। देखिए कितना सुंदर सुंदर क्रिएशन है, छोटी छोटी मूर्तियाँ, बहुत ही सुंदर। चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ भी आपको सुन रही होगी, और बहुत ही सुंदर और साफ सफाई रखी गई है इस शनि धाम की, शनि मंदिर की। अब चलते हैं दूसरी तरफ। से भी हो सकता यहाँ भी है। अच्छा पूर्ति हनकुंड, मंदिर बंद है, बाहर से ही दिखाता हूँ। यहाँ पर है रियल क्रिएशन, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी हैं, राहु केतु शनिदेव जी और शिवलिंग यमुना माता जी। प्यारा सा कुत्ता, आप लोग देख सकते हैं कितनी साफ सफाई रखी गई है, जो पेड़ पौधे हैं एकदम कटिंग वगैरह करके। और देखिए इतने सुंदर वातावरण में इतने बड़े बड़े स्टैचू, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये पंचमुखी हनुमान जी है, और इस तरफ यमुना माता जी, और वो राहु, बीच में शनिदेव जी, और वहाँ पर केतु है, शिवलिंग भी है। यहाँ जो यमुना माता हैं वो शनिदेव जी की बहन हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये शनिधाम। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं अदर स्टेट से और अदर कंट्री से भी, यहाँ पर लोग आते हैं।
आप लोगों को जो ये बाइक स्कूटर चलने की जो आवाज़ आ रही है, ये एक्चुअली यहाँ पर माली लगे हुए हैं जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटिंग कर रहे हैं। और अब शिवलिंग जी के दर्शन करते हैं, शिव भगवान के, शिव भोले शंकर के। अब शनि मंदिर में चलते हैं जो बहुत ही सुंदर है, बाहर से भी अंदर से भी, और साइड में गमले लगा रखे हैं। जो मंदिर की दीवारें हैं उन पर भी छोटी 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 शनि मूर्तियां बनी हुई हैं, मतलब पूरे मंदिर में। यहाँ पर शनि जी की आरती लिखी हुई है। शनि देव जी के दर्शन कर लिए हैं, बाहर लोगों ने दिए जलाए हुए हैं। और ये देखिए आप लोग कितनी सुंदर क्रिएशन है यहाँ पर मंदिर की, पूरी धाम की बहुत ज़्यादा सुंदर क्रिएशन की गई है, अच्छे से रखा गया है। और एक गणेश भगवान जी के चरणों में। और अब चलते हैं वापिस।